अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, हमें यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। गले लगाएंगे कामयाबी, हमें भरोसा है, हमें यकीन है। अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। साहब बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद अली के भाई बरकत अली आ गए हैं और हमें लगता है कि दिल्ली वाली लड़की के बारे में उन्हें मालूम हो गया है। तुम्हें कैसे पता? हम उन शहरी बाबुओं के साथ लौटे तो देखा बरकत अली चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे और मोहम्मद अली अपना सर झुकाए बैठे थे। अरे ये तो उसकी पुरानी आदत है। क्या नाम है उस लड़की का? जरीना मालिक। हाँ जरीना, जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ वाले तीनों लड़के भी बहुत शरीफ हैं और पढ़े लिखे भी हैं। यहाँ गांव में सर्वे के लिए आए हैं। जी साहब। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि बरकत अली का इन परदेशियों से क्या वास्ता। साहब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि वो यूं ही नहीं आए हैं। तुमने बताया था कि गांव की लड़कियों से भी मिली है। जी साहब। देखो सब लोग विद्यार्थी हैं, कोई ऊंच नीच न होने पाए, आखिर वो हमारे गांव के मेहमान हैं। ठीक है साहब, और कोई काम तो नहीं है? नहीं और कोई काम नहीं। ठीक है मैं चलता हूं। अच्छा नमस्कार। सुना तुम जरा वो मोहम्मद अली का ख्याल रखना। जी अच्छा मैं चलता हूं। मैं अली तुम कोई पराये तो हो नहीं, अपने घर के आदमी हूं, तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं फातिमा की शादी अपने बेटे से तय कर चुका हूं। देख ही रहे हो कि लड़की सयानी हो गई, ये कब तक उसे अपने घर में रखेगा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई मैं फातिमा की शादी की बात कर रहा हूं। फातिमा की शादी? लेकिन वो तो ही बच्ची है। लड़कियों की उम्र निकलते देर नहीं लगती है, सयानी दिखने लगे तो समझो कि शादी के लायक हो गई। और फिर हमारे बेटे के लिए और भी रिश्ते आ रहे हैं। मैं खानदान का बड़ा हूं, सोचता हूं मोहम्मद अली पर बोझ ना पड़े। वो तो मैं जानता हूं, हम गरीब जरूर है बरकत भाई, लेकिन लड़की हम पर बोझ नहीं है। मैं अपनी भतीजी फातिमा की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बेटी कौसर की नहीं। तुम तो बरकत भाई हमेशा अपना पराया लेके बैठ जाते हो। मैं फातिमा के बारे में ही कह रहा हूं, वो पूरे गांव की बेटी है, उसकी उम्र अभी शादी लायक नहीं है। मैं सब समझता हूं, यहां पर क्या बातें होती रहती हैं। अरे तुम लोगों के दिमाग पर तो शहरी छाप पड़ गई है। मेहमानों की आवभगत करो, हम मना नहीं करते, लेकिन कोई हमारे खानदान हमारे घर की परंपराओं को चुनौती दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मोहम्मद अली तू कान खोल के सुन ले, मैं यहाँ पर शादी की तारीख तय करने आया हूँ। अपने दिमाग से बेटी को शहरी बनाने का शौक निकाल दे, मुझे बहू चाहिए, कोई शहरी लौंडिया नहीं। हाय यूसुफ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी आओ बैठो। जी और चाचा के भाई गुस्से में है।
तुमने सुनी उनकी बातें? वे हम लोगों पर भी तंज कर रहे थे, कहीं ज़रीना उन्हें फिर से लेक्चर ना देने लगे, वरना झगड़ा हो जाएगा इस घर में। बड़े ही खूंसट हैं बरकत मियां। किस किस्म का सर्वे कर रही हैं आप? जी यही कि गांव में कितनी तरक्की हुई है और सरकार का पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। लेकिन आप तो यहाँ की लड़कियों को शहर का रास्ता दिखा रही हैं। जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अपने काम से आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। सर्वे कर रही हो या यहाँ की लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की पट्टी बढ़ा रही हो? ओह तो ये बात है, मैं इस काम से आई तो नहीं थी, लेकिन अगर किस काम से आई हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम सर्वे करो, घूमो फिरो, जो मर्जी आए करो, लेकिन इतना याद रखो कि फातिमा हमारी होने वाली बहू है। देखिए ये आपका जाती मामला है, और जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है मैं नहीं मानती उसमें कोई बुराई है। इमाम साहब अभी मस्जिद में ही होंगे ना? हाँ, क्यों? उनके पास जाना चाहती हो? जी मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं नहीं चाचा, आप यहाँ बरकत अली साहब के साथ बैठिए, मैं अंदर चची को बता कर आती हूँ। ठीक। अजीब लड़की है, इमाम साहब से मिलने जा रही। अरे भला इमाम साहब से उसका क्या काम? ये लक्षण होते हैं शहरी लड़कियों के। इस तरह से तो मत कहो, अपनी बच्चियों जैसी है, दीन धर्म की बातें इमाम साहब से जानना चाहती होगी। दीन धर्म की परवाह होती तो क्या वो स्कूल कॉलेज में पढ़ती, यहाँ सर्वे करने आती? तुम्हारे दिमाग में तो जहर भरा है, जरा उससे बात करके देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे। तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है, है? और ये मोहम्मद अली ऐसे पेश आ रहा है जैसे वो इसकी हाकिम है। तुमसे तो कौन बहस करे। फातिमा मेरे साथ जाना चाहती है, बस मस्जिद तक पहुंचा कर आ जाएगी। हाँ हाँ ले जाओ, जरा सा तो फासला है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये जहाँ जाना चाहती है जाए, मगर अपने साथ फातिमा को क्यों घसीट रही है? इस गांव का अपना माहौल है। मैं अकेली ही चली जाती हूँ, किसी से रास्ता पूछ लूंगी। फातिमा तुम अंदर जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से गांव का माहौल खराब हो। तुम मेरी बेटी कौशल को अपने साथ ले जाओ। नहीं चाचा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। बताएगी भी क्या हुआ, क्यों आ गई? ताया की बात जरीना बाजी ने सुन ली और बुरा मान गई। क्या कहा तेरे ताया ने? पता नहीं क्या माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे थे। अरे वो तो ऐसे ही हैं, कभी अच्छे आदमी को पसंद किया है उन्होंने? क्या सोच रही होगी बेचारी, तेरे बाप ने कुछ नहीं कहा? तुम भी पूछ लो बापू से। तो जिसको देखो वही सिर पे चढ़ा जाता है। आप मुझे मस्जिद तक पहुंचा देंगे? मैं इमाम साहब से मिलना चाहती थी। लगता है आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते। नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। मैं आपको ले जा रही हूँ या आप मुझे ले जा रहे हैं? या तो आगे चलिए या फिर मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ चलिए। आपके दोस्त साथ में नहीं है? वो मैं जब आई थी तो मैंने देखा था आप दोनों को साथ बैठे हुए। मुझे दूर से देख रहे थे, बहुत गहरे दोस्त लगते हैं। जी उसका नाम किशन है। अच्छा, और आपका? हसन। हसन किशन, अच्छी जोड़ी है, जैसे राम और श्याम। आप फिल्में देखते हैं? जी। अच्छा आपका मनपसंद हीरो कौन है? मेरा अनिल कपूर। अनिल कपूर, मुझे पता था आप अनिल कपूर ही कहेंगे, क्योंकि आपकी शक्ल अनिल कपूर से बहुत मिलती है। अगर आपकी मूछें होती तो आप बिल्कुल अनिल कपूर जैसे दिखते। वो आ गई,
मस्जिद आ गई उधर। अभी तो दूर है। अच्छा ये बताइए आप दोनों करते क्या हैं? पहले हम ठेकेदार के साथ थे, कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते थे, पैसे को लेकर कुछ आनाकानी हो गई, अब हमने छोड़ दिया, अब हम फेरी करते हैं। फेरी? हाँ, बीकानेर से लहंगा चुनी लाते हैं और बेचते हैं। अच्छा तो पढ़ने लिखने का शौक तो नहीं रहा होगा आपको? आ गई क्या? वो मस्जिद आ गई। हाँ। अरे रुकिए तो सही। नहीं नहीं। अरे रुकिए तो सही। किसान दरवाजा खोल जल्दी से। अरे क्या बात है, अरे इतना बावला क्यों हो रहा है? अभी तो गया था घर से, अब कौन सी आफत आ गई? अरे वो मिल गई किसान, वो मिल गई। कौन? अरे वो दिल्ली वाली। इसलिए तो इतना बदहवास हो रहा है? अरे किसान उसने मुझसे ढेर सारी बातें की। हाँ और तो और उसने मुझे अनिल कपूर कहा। हाँ। अनिल कपूर? हाँ। और तू उसकी बात सुन के उस पर रीझ भी गया? नहीं रे, लड़की बहुत अच्छी है, जितनी अच्छी लड़की है उतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। क्या कह रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में? हाँ, गाड़ी से उतरते उसने हम दोनों को देखा था। चल चल किशन, चल उसके पास चलते हैं। पर तू तो कह रहा था कि शहर की लड़कियां बड़ी नकचड़ी होती हैं। वो तो मैंने उस समय कहा था, वो तब की बात है, लेकिन लेकिन अभी नहीं। हाँ वो बहुत अच्छी है। चलना किशन, चल अभी चलते उसके पास। नहीं यार नहीं, तू अनिल कपूर है, वो तेरी माधुरी, फिर मैं क्या करूंगा, जा तू जाके मिल उससे। अरे जरीना जरा रुको तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या, मोहम्मद अली के भाई ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। देखो बेटे माफ करना, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। ऐसा महसूस होता है कि मेरा यहाँ पे आना या मोहम्मद अली साहब के घर रुकना उन्हें नागवार गुजरा है। देखो ये बरकत अली जो है ना, ये दरअसल उन लोगों में है जो बोनों में अपना कद ऊंचा देखकर खुश होते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। मेरी वजह से? दरअसल क्या है कि गांव में भी सियासत चलती है, और गांव की सियासत जयपुर और दिल्ली की सियासत से भी ज्यादा गाढ़ी है। अब तुमने जो गाँव में ये तालीम की मुहिम चालू कर रखी है ना, तो मोहम्मद अली से कीना रखने वाले किसी आदमी ने फौरन ये बात बरकत अली तक पहुंचा दी, और वो हालात का जायजा लेने के लिए यहां तक आ गया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं गांव के सब लोग तुम्हारे साथ हैं, और तुम जो कर रही हो ना अल्लाह उसका फल जरूर देगा। अब देखो ना गांव की लड़कियां कितनी खुश हैं, अब उनके मां बाप भी सोचने लगे हैं। पर कहीं मैं गांव में फूट तो नहीं डाल रही हूँ? अरे ये तुम क्या कह रही हो, एक एक बरकत अली की वजह से अपना हौसला हार रही हो? देखो ना गांव वाले तुम्हारे तरीके पर चलने लगे हैं, इसमें फूट कैसी? कहीं मेरी वजह से दोनों भाइयों में अनबन हो गई तो इसका असर फातिमा पर भी पड़ेगा। अरे अनबन कैसी, और बरकत अली तो वैसे भी किसी से बनाकर नहीं रखता। रही बात फातिमा की शादी की, तो वो जहां बैठी है वहीं होकर रहेगी। आपकी बातों से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा वक्त निकालकर मोहम्मद अली साहब के घर तशरीफ ले आएं। हाँ वो देखो वो कौसर भी आ गई, तुम ऐसा करो कि एक कौसर के साथ चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे तू यहाँ कैसे आ गई?
बापू ने मुझे आपके पास भेजा है। आप अकेली आई थी ना, बरकत आए आए हुए हैं। तुम लोग इतना डरते क्यों हो उनसे? डरते नहीं दीदी, अपनी इज्जत बताते हैं। शुरू शुरू में जब मैं स्कूल जाया करती थी तो एक दिन रास्ते में बरकत आया मिल गए। कहने लगे कहाँ जा रही है? मैंने कहा स्कूल। इस पर बोले स्कूल जाकर क्या करेगी? मैंने झट से जवाब दे दिया लोग स्कूल जाकर क्या करते हैं। इतने में बिगड़ गए मुझ पर, जोर से चिल्ला पड़े। उन्होंने बापू से शिकायत भी की और बापू ने मुझे खूब मारा। कहने लगे बड़ों से इस तरह बात करते हैं। वैसे जवाब तो खूब दिया तूने। दीदी मेरा बस चले ना तो मैं इन सब लोगों को बेंच पर खड़ा रखूं जो पढ़ने लिखने से रोकते हैं। तुम एक बार हिम्मत करके तो देखो। नहीं दीदी, गांव वाले मेरा ब्याह करके मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। चल बरकत भाई, तुम कुछ भी समझो, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां दूसरों का आदर करना जानती है। मुंह लगकर बात करने को तुम आदर करना कहते हो? ये तो तुम गलत कह रहे हो बरकत भाई। जरीना मुंह लगकर बात नहीं करती, पढ़ी लिखी है उस हिसाब से बात करती है। ठीक कहते हो, हमारे यहाँ के लड़के भी बड़ों को सलाम नहीं करते, और उस लड़की को देखो तो रुक रुक कर सलाम करती है। इसे क्या कहोगे? खत करो ये बहस, जरीना आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल सर पहुंची थी क्या? जी मैं उसी के साथ आ रही हूँ, वो घर चली गई है। अंदर कहाँ जा रही हो, यहीं बैठो ना। हाँ हाँ यहीं बैठो बेटी, बैठो। इमाम साहब क्या कह रहे थे, लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए आप लोग चाहेंगे तो जरूर तैयार हो जाएंगे। आप दिल्ली से जिस काम के लिए आई है ना, अपना वो काम देखिए। क्या बताया था आपने वो? हाँ सर्वे, सर्वे के लिए। देखिए गांव वालों से मिलना जुलना भी तो एक सर्वे ही है। अजीब सर्वे है, आप लड़कियों को पढ़ा लिखा करके उन्हें भी दिल्ली या मुंबई सर्वे कराने के लिए ले जाना चाहती हैं? अगर आप लोग उन्हें पढ़ने लिखने देंगे तो वो जरूर जा सकती है। देखा तुमने, सुन रहे हो तुम लोग? अरे इसी को आदर कहते हैं? ये जवाब देने का कोई तरीका है? बरकत भाई लड़की ठीक ही तो कह रही है। तुम सब अपनी बेटियों को भेज दो इसके साथ, मगर हमारे मामले में हमारे घर में दखल मत दो। ये तुम गलत बोल गए, एक गांव एक घर है, एक परिवार है। तुम हम सब से उम्र में बड़े हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आए तुम बोल दो। रही बात कौसर को भेजने की, तो जरीना चाहे तो अपने साथ ले जा सकती है। अच्छा है, कुछ पढ़ लिख लेगी। अरे इन शहरी लोगों ने तुम सब पर ऐसा जादू कर दिया है कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम चुप करो जी, ये हमारे आपस का मामला है। तुम अपना सर्वे करो और अपने घर का रास्ता नापो। देखिए भाई साहब, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, आपको इख्तियार है, लेकिन हमारे मेहमानों की बेइज्जती ना कीजिए। तू क्यों इसके आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है? देखिए भाई साहब, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा तो तुझमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई? भाई साहब लड़की ठीक ही तो कह रही है, अगर आपने इल्म हासिल किया होता तो आज इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू हमें इल्म सिखाएगा। लो एक और इल्म वाले आ गए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए, किस बात पर बहस हो रही है भाई? इमाम साहब अब आप ही बरकत भाई को समझाइए। ये तो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ना मौका महल देखते हैं। भाई मेरी क्या औकात कि मैं इन्हें समझाऊं? इनके पास दौलत है, ताकत है, जैसे चाहें पेश आ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इंसान को कम से कम खुदा से डर कर रहना चाहिए। वो तो इज्जो मंतोशा हो, वो तो जिल्लो मंतोशा हो। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। वही दौलत देता है और वही ताकत देता है, लेकिन साथ साथ खबरदार भी करता है। कुरान के सूरह 28 की 77वीं आयत में बताया गया है कि तुझे जो माल दिया गया है उससे आखिरत में अपना घर बना और जमीन पर भी माली इसार कर। अल्लाह ने तुझ पर जो एहसानात किए हैं तू भी एहसान कर, और जमीन पर फितना व फसाद पैदा करने की कोशिश ना कर, क्योंकि अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। अब
समझो तो इस आयत में बहुत कुछ है, यानी नेक काम करो और नेक काम में दूसरों की मदद करो, इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवरेंगी। ये बच्ची तालीम की तरगीब दे रही है, ये एक नेक काम है, तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए और तुम उल्टा इस पर रोब जता रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिस शख्स के घर में लड़की पैदा हो वो अल्लाह की दी हुई नेमतों की उस पर बारिश करे। अब ये पराई लड़की तालीम की दावत दे रही है, तो एक तरह से तुम्हारा कर्ज अदा कर रही है। हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है क्या? तुम फिक्र करोगे या शहरी लोग फिक्र करेंगे? जाहिल बना के रखा है तुमने, यही फिक्र कर रहे हो तुम। अस्तग़फिरुल्लाह। देखो इमाम साहब, हम सिर्फ एक काम से आए हैं, फातिमा की शादी की तारीख तय करने। अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। तुम मनमानी नहीं कर सकते। मोहम्मद अली, तू क्यों नहीं बोलता? ये लोग ठीक कह रहे हैं भाई साहब। क्या तू फातिमा की शादी नहीं करेगा? ऐसा मैंने कब कहा? जब वक्त आएगा तब ब्याह होगा। अरे तो क्या मेरा लड़का बैठा रहेगा? ये मैंने कब कहा? ये तूने क्या रट लगा रखी है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता? अगर तूने इन लोगों के बहकावे में आकर अपनी जिद पकड़ी तो फिर मैं अरे नेताजी आ गए। आइए, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। तुम तो वही लड़की हो जो दिल्ली से आई हो? जी। भाई तुम तो क्रांतिकारी हो, हमें सब पता है। हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें आती है। गांधी जी को भी शुरू शुरू में लोगों को आजादी का मतलब समझाने में दिक्कत हुई। भाई आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठो। हमने अभी भी सुना कि यहाँ मामला कुछ गर्म है, क्या बात है बरकत अली? जी बात कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, एक एक घर का हाल हमें मालूम है। तुम यहां रहते नहीं हो मगर फिर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? शांत रहकर बात करो बरकत अली। तुम मोहम्मद अली की बेटी से अपने लड़के की शादी करना चाहते हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? जब मैं पहले चुनाव प्रचार में गांव में निकलता था तो मोहम्मद अली और मेहर अली की बेटियों को अपनी गोद में लिए घूमता था। बहुत प्यारी बच्चियां हैं, तुम सब लोग तो जानते हो। और जहां तक तुम्हारे लड़के का सवाल है, तुम्हारे लड़कों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चौंको मत, जाकर पूछना उससे कि सांगानेरी इलाके में उसने क्या कांड किया था, अब तक जेल में पड़ा सड़ रहा होता। वो तो मुझे पता चला कि अपने गांव का है, FIR तक दर्ज नहीं होने दी, हवालात से ही छुड़ा लिया उसे। बात बुरी तो लगेगी मगर सच यह है कि तुम्हारे लड़के इस काबिल नहीं है कि इस गांव की कोई लड़की उनसे ब्याह जाए, और उनको बिगाड़ने में भी तुम्हारा हाथ है क्योंकि तुम खुद बिगड़े हुए हो। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। सच्चाई बयान कर रहा हूं ताकि तुम्हारी अकड़ कुछ कम हो सके। तुम्हारे चर्चे हमने खूब सुन रखे हैं। तुम्हें ये लड़की इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए कहती है। हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, मोहम्मद अली की लड़की भी पढ़ेगी, हम पढ़ाएंगे उसे। बताओ तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? हमने अपनी जगह दी, स्कूल खुलवाया, टीचर का इंतजाम भी किया मगर तुम लोगों ने लड़कियों को स्कूल जाने ही नहीं दिया। और क्या आपके धर्म में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक है? कतई नहीं जनाब, कुरान में और हदीसों में तो तालीम की ताकीद फरमाई गई है। हमें मालूम है, हम इन्हें बताना चाहते हैं, ये लड़की जो दिल्ली से अपने काम के लिए आई है तुम लोगों की लड़कियों का भला चाहती है। अरे उपकार मानो इसका। हमारा रुकना बेकार है। मोहम्मद अली तेरा क्या जवाब है? विद्रोही जी ठीक ही कह रहे हैं। तो ठीक है मैं चलता हूं। तू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है ना, पढ़ा, मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लूंगा। आप बड़े भाई, रिश्ता आप ही ने बनाया था और अब आप ही तोड़ रहे हैं। ठीक है तू यही समझ ले। आ, 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 आ,
तुम्हारे भाई ने तुम्हारी लड़की के साथ रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हें इसका मलाल तो नहीं? मलाल ये नहीं है कि रिश्ता टूट गया है, मलाल तो ये इस बात का है कि वो लोग पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। जाने दो मोहम्मद अली, लड़कों की कमी नहीं है। ये क्रांति तुम लाई हो, आज गांव के लोगों की सोच बदल रही है। सोच बदलने को भी क्रांति कहते हैं। हम स्कूल की मरम्मत करवा देते हैं और टीचर का जब तक इंतजाम हो आप लड़कियों को पढ़ाएंगे। जरूर भाइयों, अपने इरादे पर अटल रहें और एकता बनाए रखें, बाकी सब कुछ आप हम पे छोड़ दें। अब इस गांव में स्कूल खुल के रहेगा। जी नेताजी, मैं तो कब से यही चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते, आओ चलें। दीदी आप मत जाइए, हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ दीदी, रुक जाइए ना, आपके जाने के बाद हमारी पढ़ाई तो बंद हो जाएगी। कौन रोकेगा तुम्हारी पढ़ाई, हम देखेंगे। तुमने इल्म की जो शमा रोशन की है, तुम्हारे जाने के बाद हम उसे संभालेंगे। जरीना से वादा कीजिए कि अपने बच्चों पर तालीम के दरवाजे कभी बंद नहीं करोगे। वादा करो तुम्हारे बच्चे पढ़ते रहेंगे। बोलो, पढ़ाओगे बच्चों को? हाँ, वादा। बहुत अच्छे। दीदी, इतने दिन आपके साथ बिताए, आप चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दीदी मैं भी आपके जैसे बनना चाहती हूँ। जब कुछ पढ़ लिख जाओगी तो अपने आप दिल्ली आ जाओगी। अगर नई सोच होगी पैदा, हम अपना सबका भला करेंगे। जरा सी लो तेज करके देखें, जरा ऐसी जला करेंगे। गले लगाएगी कामयाबी, हमें भरोसा। अधूरी हो।